कल हमारा लोक जनशक्ति पार्टी का नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग हुआ रांची में, झारखंड में। तो वहाँ हम लोगों का जो सबसे पहला एग्जीक्यूटिव मीटिंग में पास हुआ, हमारे जो आदरणीय यूनियन मिनिस्टर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया श्री चिराग पासवान जी को दोबारा हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी नेशनल प्रेसिडेंट लोक जनशक्ति पार्टी का दोबारा हम लोगों ने री इलेक्ट किया गया कल। उसके लिए मैं हमारे अरुणाचल प्रदेश लोक जनशक्ति पार्टी के तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं आप सबके माध्यम से हमारा जो नेशनल प्रेसिडेंट श्री चिराग पासवान जी को। और हम लोगों ने कई अहम फैसला लिया नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग में, कई सारे अहम फैसले लिए हम लोगों ने, वो आपके सामने हम शेयर करना चाहते हैं। सबसे पहले तो हमारा लोक जनशक्ति पार्टी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि उन लोगों ने जो हम लोगों ने जो पॉइंट रखा रिगार्डिंग विद्रोवल ऑफ लेटरल एंट्री, जो हाल ही में बहुत चर्चा का विषय रहा, आप सब जानता होगा जो लेटरल एंट्री के बारे में बहुत सारा चर्चा हुआ, उसमें क्लियर कट से हमारा लोक जनशक्ति पार्टी ने उसका विरोध किया, चिराग पासवान जी ने उसका विरोध किया, भले ही हम एनडीए में साथ में हैं। इससे ये क्लियर कट मैसेज जाता है, सरकार अगर गलत करेगा तो हम आवाज़ ज़रूर उठाएंगे, भले ही हम साथ में हैं। तो ये हम लोगों ने कल बहुत इम्पोर्टेंट डिस्कशन किया, इसको भी हम धन्यवाद देते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने हमारे जो आवाज़ को सुना और इसको हेल्ड अप किया। दूसरी बात, जो अरुण भारती जी हमारे ऑनरेबल एमपी है, उन्होंने हमें बताया कि जो क्रीमी लेयर जो अभी जो ये भी बहुत बड़ा विषय था जिसका आप लोग सब जानता है, ये भी बहुत बड़ा विषय है देश में, जो पिछड़ा समाज के वर्क को लेकर जो एक लेयर बनाने का प्रस्ताव सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो रखा गया था, उसको भी हमारे जो नेशनल प्रेसिडेंट श्री चिराग पासवान जी ने अपने ही गवर्नमेंट से अपील किया और उसे सोचने में, उसे नया रेजोल्यूशन उसमें लाने में हम लोगों ने अपील किया और उसे भी माना। और जो अभी एसटीएससी जो पार्लियामेंट्री कमेटी मेंबर में हमारे ही लोक जनशक्ति पार्टी के जो एमपी अरुण भारती जी को मेंबर नियुक्त किया गया, इसके लिए भी हम बहुत धन्यवाद देते हैं। और सबसे अहम बात हम लोगों ने पार्टी में कल ये डिस्कशन किया कि आने वाला जो विधानसभा इलेक्शन है हरियाणा, जम्मू एंड कश्मीर एंड झारखंड, तीनों स्टेट में लोक जनशक्ति पार्टी मजबूती से विधानसभा इलेक्शन लड़ेगा। हालांकि हमारा जो अध्यक्ष है उनका यह कहना है कि स्टेट प्रेसिडेंट स्टेट यूनिट डिसाइड करे कि हमें इंडिविजुअली लड़ना है या कोलिशन में लड़ना है। कल हम लोगों का ये प्रोग्राम डिस्कस हुआ, ये रेजोल्यूशन पास हुआ। और उसके बाद सेकेंड जो रेजोल्यूशन हमारा पास हुआ पंचायत इलेक्शन को लेके और म्यूनसिपल इलेक्शन को लेके, आप सब जानते हैं अरुणाचल प्रदेश में भी 2025 में पंचायत इलेक्शन आएगा, म्यूनसिपल इलेक्शन आएगा। लोक जनशक्ति पार्टी पूरी मजबूती से इन इलेक्शन में भी भाग लेगा। कल हम लोगों ने ये डिस्कस किया, ये रेजोल्यूशन फाइनल किया। तो आने वाला समय में पंचायत में, म्यूनसिपल में, जहाँ जहाँ इलेक्शन होगा लोक जनशक्ति पार्टी वहाँ अपना उम्मीदवार उतारेगा। और बाकी आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा आपके माध्यम से, हमारे प्रदेश के जनता को भी बताना चाहूँगा, एक बहुत ही गर्व की बात है कि हमारा जो पिछड़ा वर्ग का
जो नेता एक जो पिछड़ा समाज के लिए जो भगवान के रूप में एक नेता हमारा आदरणीय श्री चिराग पासवान जी अभी कैबिनेट मंत्री है, वो हमारे अरुणाचल प्रदेश में बहुत जल्द आने वाले हैं। हम लोगों ने डिस्कस किया, हमारा जो पार्टी का स्टेट का पार्टी जो ऑफिस है उसे ऑफिशियली इनोग्रेशन करेंगे और हम लोगों के जो फर्स्ट स्टेट एग्जीक्यूटिव मीटिंग होगा अरुणाचल प्रदेश लोक जनशक्ति पार्टी के, उसमें वो चेयर करेंगे और कई सारे मुद्दे पर हम आने वाला समय में चर्चा करेंगे। अभी हम लोगों ने डिसाइड किया कि सितंबर महीना में सितंबर एंड ऑफ द सितंबर हम लोगों ने एक टाइम दिया, एक हम लोगों ने चिराग पासवान जी को रिक्वेस्ट किया कि वो एंड ऑफ द सितंबर को आए, क्योंकि जुलाई अगस्त में आने वाला था लेकिन इसमें जो हम लोग का यहाँ हिली एरिया रेनी सीजन का कारण से हम लोगों ने सर को मना किया था, तो अभी आने वाला समय में सितंबर एंड में ही इज़ लाइकली टू विजिट अरुणाचल प्रदेश। तो ऐसे ही यही दो तीन पॉइंट को लेके हम आप सबके सामने में शेयर करना चाह रहा था। मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।